क्लास हम लोग ने अपना पेज नंबर अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था। आज इंशाल्लाह हम लोग अपने पेज नंबर 39 की रीडिंग करेंगे और उसके अलावा हम लोग अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हम लोग अपना अपना लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं हाउ पीपल चेंज हैबिटेट्स के। आज का जो हमारा टॉपिक है कि इस तरह के हम लोगों ने पढ़ा कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इफेक्ट करते हैं हैबिटेट को, उसे चेंज करते हैं। और अब हमने उसके अंदर रोल प्ले पढ़ा कि ह्यूमंस का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है हैबिटेट को चेंज करने में। अब ह्यूमंस किस तरह से, जो पीपल हैं लोग, वो किस तरह से हैबिटेट को चेंज करते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़ आल्सो चेंज हैबिटेट्स व्हेन हैबिटेट्स चेंज, सम ऑर्गेनिज्म डाई और लीव द हैबिटेट। के ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हैबिटेट है वो चेंज हो जाता है और कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि उस हैबिटेट के अंदर रहते हैं या तो वो अपना हैबिटेट चेंज कर लेते हैं या के बल्कि यहाँ के वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। जो सबसे पहले हमारे पास कॉज है जिसकी वजह से, जो ह्यूमन की वजह से ये होता है, वो है फार्मिंग। फार्मिंग क्या है? फार्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन सर्वाइवल। पीपल क्लियर फॉरेस्ट टू गेट लैंड फॉर फार्मिंग। जो लोग हैं वो दरख्तों को काट रहे हैं, वहाँ पे अपनी जो ज़मीन वगैरह है उसके लिए, उसके यूज़ के लिए वो अपने जो फॉरेस्ट वगैरह हैं हम उसे काट रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। पीपल आल्सो कट डाउन ट्रीज़ टू गेट वुड और पेपर। जो हम लोग ट्रीज़ वगैरह को काटते हैं, मैक्सिमम कुछ हम लोग लैंड को क्लियर करवाने के लिए ट्रीज़ वगैरह को काटते हैं, और जो कुछ ट्रीज़ हैं वो हम लोग काटते हैं जिसकी वजह से हम लोग लकड़ी और पेपर्स वगैरह लेते हैं। इन दिस वे दीज डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट ऑफ सर्वाइवल सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस तरह से क्या हो रहा है कि जब फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं तो जिन नेचुरल हैबिटेट है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए वो भी ख़त्म हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन किस तरह से इफेक्ट करती है? पॉल्यूशन इज़ अनदर एजेंट डैट ब्रिंग्स चेंजेस इन हैबिटेट। जो पॉल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आती है हैबिटेट के अंदर। पॉल्यूशन हार्म्स द लैंड, वाटर और एयर। जो पॉल्यूशन है वो जाहिर बात है इफेक्ट करती है हमारे लैंड को, ज़मीन को भी, पानी को भी और एयर को भी। पॉल्यूशन जो इफेक्ट करती है, पॉल्यूशन इज़ अ हार्मफुल टू पीपल एनिमल्स एंड प्लांट्स। लेकिन जो पॉल्यूशन है वो बहुत हार्मफुल है लोगों के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। इट डिस्ट्रॉयड मैनी हैबिटेट। इससे की वजह से बहुत ज़्यादा जो हैबिटेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं। लैंड पॉल्यूशन इफेक्ट्स द लैंड, डिस्ट्रॉइंग लाइफ द इन्वायरमेंट एंड इट्स हैबिटेट। जो लैंड पॉल्यूशन है उसकी वजह से ज़मीन जो है वो भी ख़राब हो रही है, उसके अंदर जो उस लैंड के अंदर जो लाइफ मौजूद है वो भी डिस्ट्रॉय हो रही है, इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट कर रही है। इस तरह से बहुत सारे हैबिटेट्स हैं वो तबाह हो रहे हैं। एयर पॉल्यूशन इफेक्ट्स एयर वो ब्रीथ इन फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स एंड एयर पॉल्यूशन टू द इन्वायरमेंट। जो एयर पॉल्यूशन है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। ये यानी कि जब फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं वो अपने जो वेस्ट वगैरह हैं उन्हें हवा में इसी तरह से फेंक रही हैं फिर भी बगैर फिल्टर किए, जिसकी वजह से हमारी जो एयर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स ऐड हो जाते हैं। जबकि हम लोग सांस लेते हैं तो वो पॉल्यूटेंट्स हमारे अंदर जाते हैं और हमारे लिए अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियां काज करते हैं। इसी तरह से ये एनिमल्स को भी इफेक्ट करती हैं और बाकी जो चीज़ें हैं इन्वायरमेंट के अंदर उनको भी इफेक्ट करती हैं। एयर पॉल्यूशन डैमेज ओवर हेल्थ एंड ओवर इन्वायरमेंट। इसी तरह से जो एयर पॉल्यूशन है वो हमारी हेल्थ को भी ख़राब कर रही है और हमारे इन्वायरमेंट को भी ख़राब कर रही है। उसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग अपना लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का हाफ पार्ट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? डिस्क्राइब इट्स फ्यू काइंड्स। आपने हैबिटेट को डिफाइन करना है और उसके बाद उसकी काइंड्स उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन करते हैं। हैबिटेट क्या है? द प्लेस वेयर एन एनिमल और अ प्लांट लिव एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। हमने पहले भी पढ़ा था कि वो जगह जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं और आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं उन्हें उनकी हैबिटेट कहा जाता है। अ हैबिटेट प्रोवाइड्स द थिंग्स एंड ऑर्गेनिज्म नीड्स डैट इज फूड, वाटर, शेल्टर एक्सेट्रा। जो एक हैबिटेट होती है वो क्या होता है? इन्वायरमेंट के अंदर जो एक हैबिटेट होता है, जिस ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहता है उसकी ज़रूरत की हर चीज़ उस इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होती है, जैसा कि फूड, वाटर और शेल्टर वगैरह। मैनी पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव इन ईच हैबिटेट। जो ज़्यादातर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपस में एक ही हैबिटेट में रहते हैं। उसके बाद है काइंड ऑफ हैबिटेट्स। हैबिटेट्स की काइंड कौन सी हैं? ऑर्गेनिजम्स लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट एंड ऑर्गेनिज्म हैव फीचर्स लिव इन दिस हैबिटेट। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत हर तरह का जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट हैबिटेट के अंदर रहता है और उस हैबिटेट के अंदर उसे ज़्यादा मैक्सिमम हवा रहने के लिए इस्तेमाल करता है, जहाँ पे उसकी मौजूद ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद होती है। सबसे पहले हमारे पास 4 टाइप्स हैं इसकी, द ग्रासलैंड हैबिटेट, पोंड हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट एंड रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। आज सिर्फ हम लोग ग्रासलैंड हैबिटेट पढ़ेंगे। वो क्या है? ग्रासलैंड इज़ अ ग्रासी विंडी पार्शली ड्राई एरिया। जो ग्रासलैंड एरिया है वहाँ पे ग्रास होती है, विंडी और पार्शली ड्राई एरिया होता है,
दीज एरियाज़ रिसीव अ मीडियम अमाउंट ऑफ रेन, ये जो एरियाज़ होते हैं ये बहुत मीडियम अमाउंट में रेन को रिसीव करते हैं। यहाँ पे जो बारिश का तनासब होता है वो नॉर्मल रेंज में होता है। द सॉइल फाउंड हेयर इज़ वेरी फर्टाइल, तो जब जाहिर ही बात है यहाँ पे पानी की नॉर्मल अमाउंट में प्रोवाइड किया जाएगा तो जो यहाँ की सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ज़रखेज़ होती है। ग्रासेज आर द प्रोड्यूसर्स इन ग्रास लैंड हैबिटेट, जो ग्रासेज होती हैं वो प्रोड्यूसर्स होती हैं इन एरियाज़ में। मोस्टली ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक द शीप, गोट्स, काउज, एंटीलोप्स, बफलोज एंड डियर्स आर फ्यू एग्जाम्पल्स डेट फाउंड इन द ग्रास लैंड। ये मैक्सिमम जहाँ पे जाहिर बात है ग्रास लैंड एरिया पे ग्रासेस ज़्यादा होती हैं, सॉइल फर्टाइल होती है, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं। अ फ्यू फ्लैश ईटर्स लाइक चीता, फॉक्सेज एंड वोल्स आर, फ्यू बर्ड्स लाइक आउल्स, ईगल्स, हॉक एक्सेट्रा आल्सो फाउंड इन दिस हैबिटेट। लेकिन कुछ फ्लैश ईटर्स जो एनिमल्स होते हैं, गोश्त खोर एनिमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं। मैनी काइंड ऑफ इंसेक्ट्स आर आल्सो फाउंड इन ग्रास लैंड, ग्रास लैंड जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं इंसेक्ट्स की वो भी ग्रास लैंड हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं। यानी कि मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पे हर तरह के जानवर रह सकते हैं ग्रास लैंड हैबिटेट के अंदर। आज के लिए इतने काफ़ी, आप लोगों ने इसे अच्छे याद करना है, अपनी नोटबुक्स में नोट भी करना है जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रहेगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।